पीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। एक तरफ उत्तर प्रदेश जहां अपराधियों तस्करों पर सीएम योगी की पुलिस का डंका बजता है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में पुलिस ही तस्करों की माई बाप बनी हुई है। मध्य प्रदेश में तस्करों की कमल तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद उनके हौसले में कोई कमी नजर नहीं आ रही। सीएम के बुलडोजर अभियान से न जाने कितनों की काली कमाई के आसियानों तक को तबाह कर दिया गया, लेकिन फिर भी ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकार पर कब तक ऐसे अपराधियों के चिंटू गिरी का दोष थोपा जाए? स्थानीय पुलिस कांधे पर कांधा धरे तस्करों के साथ ए आर सुन यारी तेरी काएगी तो सरकार की सारी कोशिशें अपराधियों पर लगाम लगाने और खींचने में फेल हो जाएंगी। वीडियो को एक बार गौर से देखिए। तस्कर टीआई की बंदूक के सामने लगे खंजर को चाकू की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बंदूक से केक काटने के बाद आसपास मौजूद साथी और पुलिसकर्मियों को भी केक खिला रहा है। इतना प्यार हीर और रांझे की इश्किया किस्से में भी नहीं रहा होगा जितना प्यार इस वीडियो में कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी और टीआई के बीच नजर आ रहा है। सीएम शिवराज योगी को एक बार फोन तो कर ही लेना चाहिए। कि बाबा योगी जी पुलिस को किस तरह और किस बोर्ड से कस दिए हो कि अपराधी लेकर चाल चक्का पलटा देते हैं, काहे कि इसकी जरूरत मध्य प्रदेश में पैदा हो चुकी है। खैर, खबर पर आते हैं। टीआई और तस्कर की सांठगांठ का मामला वीडियो के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर तक जा पहुंचा है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश। शुक्रिया। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।